नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, जैसे कि मान लो दोस्तों देखो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये कैंट मोबाइल एप्लीकेशन है ये, इस वजह से हम यहाँ पे ओपन करते हैं। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाओगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करते हो आप, और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है CIF नंबर, जो 2023 में जितने भी पासबुक दोस्तों आ रहे हैं इसके अंदर दोस्तों मैंने ये देखा है, दो चार दिनों के अंदर दोस्तों मैंने ये देखा है कि 2023 में जितने भी पासबुक आ रहे हैं उसमें दोस्तों CIF नंबर जो है प्रिंट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्रिंट होके नहीं आ रहा तो आप CIF नंबर कैसे पता करोगे? आपको दोस्तों बैंक ब्रांच में जाना होगा तभी दोस्तों आप पता कर सकते हो CIF नंबर। बट दोस्तों आज की जो ये वीडियो, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप खुद से ऑनलाइन कैसे आप निकाल सकते हो CIF नंबर गूगल के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो दोस्तों वेबसाइट है, जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आज आपको वहीं से दिखाऊंगा कि कैसे आप CIF नंबर निकाल सकते हो अपने अकाउंट नंबर के माध्यम से। तो दोस्तों देखो, CIF नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पे सर्च मारना है www.ibn.centralbank.net.in। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे सर्च मार लेना है। ये सर्च मारने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो जो आपको पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये वाला दोस्तों जो वेबसाइट दिख रहा है इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका ये खुल के आएगा। आपको क्या करना है दोस्तों CIF नंबर जानने के लिए, दोस्तों आपको जो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे पर्सनल बैंकिंग लिखा है यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देखो नीचे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आएगा दोस्तों ये देखो गेट CIF नंबर। दोस्तों इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपका CIF नंबर दोस्तों जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे देखो आपको गेट CIF नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कह रहा है इंटर अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या है सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका CIF नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो मैं एक अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो दोस्तों, जो आपके अकाउंट में दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा उस पर दोस्तों एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है। और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट कर देते हो दोस्तों आपका जो है CIF नंबर दोस्तों आपका जो है जनरेट हो जाएगा। और जैसे दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा है वैसे यहाँ पे आपका CIF नंबर खुल के आ जाएगा और आप जो CIF नंबर अपना नोट कर लेना। अभी दोस्तों क्या है कि मैंने वो वाला सिम मैंने इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं डाला, इसलिए मैं यहाँ पे अभी ओटीपी नहीं आया मेरे इस पे, अभी मैंने नंबर डाला नहीं है, मैंने इस मोबाइल के अंदर वाला सिम मैंने डाला नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका CIF नंबर दोस्तों जनरेट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे हाथ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है अपना CIF नंबर इस तरीके से निकाला है। और दोस्तों 100% कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रोसेस से दोस्तों आपका CIF नंबर जो है निकल जाएगा। और दोस्तों अगर आपका CIF नंबर नहीं निकलता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर देना। फिलहाल दोस्तों आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों आपका 100% यहाँ पे CIF नंबर आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों CIF नंबर अगर आपका निकल जाए तो दोस्तों आप जो है जो कैंट बैंक है दोस्तों यहाँ पे अपना जो है ये दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे CIF नंबर डाल के दोस्तों यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकती हो। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।